आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का कहना है कि ये सोच गलत है कि आयुर्वेदिक इलाज से कोई मरीज ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि सही मायने में किसी भी चिकित्सा पद्धति पर 100% भरोसा नहीं किया जा सकता। हमने वो पेशेंट्स देखे हैं जिनको पैरासिटामोल भी सूट नहीं करती, वहां पर भी हम मां सुदर्शन घनवटी देकर के उस पेशेंट का बुखार उतारते हैं। सो कहने का मतलब यह है कि इफ वी टॉक अबाउट क्रोनिक डिजीज, इफ वी टॉक अबाउट द केसेस ऑफ रेजिस्टेंस, इफ वी टॉक अबाउट द कंडीशंस ऑफ एलर्जीज, वहां पर आयुर्वेद हमें एक बहुत अच्छा ऑप्शन नजर आता है। लेकिन एट द सेम टाइम यदि हम सर्जरी की बात करें, यदि हम बात करें एक तरह से इमरजेंसीज की बात करें, तो यहां पर जो है हमको एलोपैथ डॉक्टर्स की आवश्यकता पड़ती है, एलोपैथिक हॉस्पिटल्स की आवश्यकता पड़ती है। सो कहने का मतलब है कि हमें दोनों की ही आवश्यकता है यदि हम अपना बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम बनाना चाहते हैं। तो एलोपैथी के डॉक्टर्स भी ये मानते हैं कि आयुर्वेद हजारों वर्षों से चला आ रहा है और दोनों तरह की चिकित्सा पद्धति के अपने अपने वैज्ञानिक आधार हैं। पद्धति कोई भी हो, मकसद मरीज को स्वस्थ रखना है। दोनों चिकित्सा पद्धति भारत में कई 100 सालों से और आयुर्वेद तो कई हजार सालों से भारत में चल रही है। दोनों एस्टेब्लिश्ड साइंस है, दोनों के पीछे वैज्ञानिक तथ्य है, तथ्य की पुष्टि है, प्रमाण है और उसी हिसाब से इलाज होता है। एलोपैथ अपनी तरीके से काम कर रहा है, आयुर्वेद अपनी तरीके से काम कर रहा है। एलोपैथ और आयुर्वेद का सामंजस्य बिल्कुल संभव है, लड़ाई की कोई गुंजाइश नहीं है। दोनों की जगह स्थापित की जा सकती है और हिंदुस्तान में स्वास्थ्य व्यवस्था इससे बेहतर की जा सकती है। मैं मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर हूँ, मॉडर्न मेडिसिन के फादर कहे जाते हैं हिप्पोक्रेट, ग्रीक ओरिजिन के हैं, लेकिन मैं अपने आप को मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस करते हुए हिंदुस्तान के धन्वंतरी चरक सुश्रुत जो आयुर्वेद के शीर्ष में रहे, मैं उनका वंशज मानना ज्यादा गर्वान्वित महसूस करूंगा रादर देन हिप्पोक्रेट के, क्योंकि ये हमारी संस्कार संस्कृति में आयुर्वेद घुसा हुआ है। हम जो मसाले का भी इस्तेमाल करते हैं उसमें कई मसाले औषधि हैं, इसलिए इस चीज को समझना आपको जरूरी है। लड़ाई की कोई जगह नहीं है, अगर आपका उद्देश्य है स्वास्थ्य स्वस्थ रक्षणम तो लड़ाई की जगह खत्म हो जाती है। इस बात पर बहस का कोई मतलब नहीं है कि कौन सी चिकित्सा पद्धति से कोरोना संक्रमित का इलाज होना चाहिए, बल्कि मरीज को जल्दी ठीक करने के लिए जिस भी तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है उसका सटीक होना जरूरी है, क्योंकि आयुर्वेदिक डॉक्टर मानते हैं कि कई बार कुछ मरीजों को एलोपैथिक दवाएं देना जरूरी हो जाता है और एलोपैथिक डॉक्टर्स जानते हैं कि बहुत बार आयुर्वेद की मदद से इलाज को बेहतर बनाया जा सकता है।